युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विनीत कंबोज ने बताया कि युवा कांग्रेस के चुनाव की एक प्रक्रिया है, ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें शिमला और सोलन जिला एससी और एसटी के लिए रिजर्व रहेगा। पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस की मेंबरशिप शुरू हो गई है। परफॉर्मेंस के आधार पर पुराने लोगों को भी स्थान दिया जाएगा। वोटर आईडी जिनके पास है उन्हीं के पास मेंबर बनने और वोट देने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि यह चुनाव प्रक्रिया आईवाईसी ऐप के माध्यम से पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। जो लोग आपदा में लोगों की मदद करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर सूची में स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चुनावी प्रक्रिया 2 से 2.5 महीने में पूर्ण होगी। ये आप लोगों के सामने जो हमारे पीसी हैं और पीआरओ हैं, उन्होंने ड्रॉ निकाला है और उसमें 2 जिले रिजर्व आए हैं, शिमला और सोलन। यहाँ पर एससी और एसटी के जिला अध्यक्ष बनेंगे और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप आज लॉन्च कर दी गई है। तो पहले जैसा कि हमारे ईसी और पीआरओ ने बताया, अभी 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे, 5 से लेकर 14 तक रहेंगे नॉमिनेशन। और उसके बाद जो मेंबरशिप की डेट होगी, मेंबरशिप के साथ ही ऑप्शन आएगा जो भी साथी जिन्होंने नॉमिनेशन किया है उनको सिलेक्ट करने का। तो मेंबर खुद अपने जिसको भी वोट देना चाहते हैं मेंबरशिप के साथ ही ऑनलाइन वोट दे पाएंगे। और एक विशेष तौर पर मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो परफॉर्मेंस लिस्ट बनाई जाएगी प्रदेश के लिए, जिन लोगों ने पहले अच्छा काम किया है पिछली कमेटी में, उन लोगों को रखा जाएगा। और उसके साथ साथ जो लोग आपदा में बारिश के अंदर लोगों की सहायता करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनको विशेष तवज्जो दी जाएगी।